जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रहा था सबको मालूम है कि बच्चे नकल करके कर रहे थे। और जब 3 सेमेस्टर के बाद हमने फिजिकल क्लासेस शुरू की 17 फरवरी को, तो पता चला कि बच्चों ने 3 सेमेस्टर से कुछ नहीं सीखा और एकदम जीरो आने लगे उनके सारे टेस्ट में। हमारे प्राइम मिनिस्टर सोचते हैं कि यहाँ पे हम चलाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉफिट बनाना है। आपको मालूम है कौन 2 लोग सारी चीज सारे पब्लिक सेक्टर को खरीद रहे हैं, है ना? तो उन्हीं के फायदे के लिए और इस तरह के जो चलाते हैं बायजूस और ये सारे जो चलते हैं, इनका फायदा कराने के लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम हमारे ऊपर थोपा जाएगा। आपको मालूम है कि पूरी RSS की जो आइडियोलॉजी है वो हमारे बच्चों के ऊपर थोपी जाएगी। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रहा था सबको मालूम है कि बच्चे नकल करके कर रहे थे, और जब 3 सेमेस्टर के बाद हमने फिजिकल क्लासेस शुरू की 17 फरवरी को, तो पता चला कि बच्चों ने 3 सेमेस्टर से कुछ नहीं सीखा और एकदम जीरो आने लगे उनके सारे टेस्ट में। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, उन नंबरों से क्या फ़ायदा हुआ? आगे चल के दुनिया में आप कम्पीट करेंगे तो क्या सीखेंगे? तो साथियों, ये जो पहलू हमारे अब NEP के तहत जो पॉलिसीज एक के बाद एक आ रही हैं, उससे लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि क्या खामियां हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। यही बात हमको जनता के बीच ले जानी है कि आप जो स्टूडेंट्स अब आएंगे, एक ABC रेगुलेशन आया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, वहाँ पे आप इधर उधर से कोर्सेज करके 50% अपने कोर्स का आप दूसरी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोर्स करके अर्न कर सकते हैं। वो उस बैंक के खाते में जमा होता जाएगा और जो बचा और MOOCs जो पोर्टल है UGC का, उससे आप ले सकते हैं। आपके आधे कोर्सेज आप ऐसे कर सकते हैं और बाकी जो बचा कुचा है उसमें ब्लेंडेड लर्निंग जो 40% आप वीडियो लर्निंग करेंगे, टोटल मिला के आपका 70% ऑनलाइन होगा। बाकी थोड़ा बहुत जो फिजिकल होगा उसमें आप कितना सीख पाएंगे आप ही समझ सकते हैं। आपका एकेडमिक स्तर पूरी तरह से पूरी दुनिया में बेहद गिर जाएगा। ऐसा कहीं भी ये खिचड़ी टाइप का जो मॉडल है दुनिया में कहीं फॉलो नहीं होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर सोचते हैं कि यहाँ पे हम चलाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉफिट बनाना है। आपको मालूम है कौन 2 लोग सारी चीज सारे पब्लिक सेक्टर को खरीद रहे हैं, है ना? तो उन्हीं के फायदे के लिए और इस तरह के जो चलाते हैं बायजूस और ये सारे जो चलते हैं, इनका फायदा कराने के लिए। दूसरी चीज जो आई है साथियों, जो सबसे घटिया चीज हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे जो 12वीं के बच्चे आने वाले थे, पहले से उन्होंने काफी सफर किया है बिना कोई तैयारी की, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जो उन्होंने थोप दिया है और लाखों बच्चों पूरे देश में इस तरह से सफर कर रहे हैं कि लगातार आपके टेस्ट, आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए जाते हैं, आप सेंटर आपका बदल दिया जाता है, लास्ट मिनट टेस्ट कैंसिल कर दिया जाता है, वापस चले जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसी दौर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लिया है, क्योंकि वो रिस्क कैसे लें? अगर आप स्कूल के टॉपर भी रहे हैं जिंदगी भर, तो आपको क्या नंबर मिलेंगे इस टेस्ट में किसी को नहीं मालूम, और क्या आपका कहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा किसी को नहीं मालूम, तो आप रिस्क कैसे ले सकते हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का फायदा कराया जाए, वहाँ पे पूरी सीटें भर गई हैं और हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जा रहे हैं बड़े तौर पे, और दूसरे जो आएंगे बाद में उनको भी एडमिशन किस बेसिस पे मिलेगा? जो एक्सपेंसिव माफिया, जो कोचिंग माफिया है, उसका फायदा होगा। जो बच्चे कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते उनका क्या हाल होगा? जिन बच्चों की इस तरह के ऑनलाइन टेस्ट करने से फेमिलियरिटी नहीं है, बहुत सारे बच्चे सेंटर में गए और वापस चले गए, उनसे हो नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरते हैं। गांव के बच्चे हैं, रूरल जो छोटे शहरों के बच्चे हैं और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन के बच्चे हैं, उनको इस तरह की फेमिलियरिटी नहीं है, वो पहले ही आउट हो जा रहे हैं। इसमें किसका फायदा हो रहा है? कॉम्पिटिशन सिर्फ एक छोटे से संपन्न ग्रुप के साथ होगा जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है। तो इसलिए ये हमारे देश के छात्राओं के साथ बहुत जबरदस्त धोखा है जो किया जा रहा है। अगर आपको करना भी था तो आप थोड़ी तैयारी करके करते, आपको जल्दबाजी क्या थी? दूसरा ये कि जो MCQ उसका फॉर्मेट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो कहाँ से आपके रीजनिंग स्किल्स को, आपके लैंग्वेज स्किल्स को, आपके थिंकिंग एबिलिटी को, आपके रीडिंग एबिलिटी को टेस्ट करता है? जो आप टेस्ट कई सारे एग्जाम्स आप एग्जाम स्कूल्स में करते हैं, कई सालों से आप करते आ रहे हैं, उनका जो एक सार है उसके बेसिस पे आपकी एडमिशन होती है। मैं भी नहीं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छा हमारा कट ऑफ सिस्टम था, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग एल्स वो ट्राइड एंड टेस्टेड बोर्ड थे। आप कुछ नॉर्मलाइजेशन कर सकते थे कि नॉर्मलाइज कीजिए अलग अलग बोर्ड्स के नाम, वो कोशिश भी नहीं की गई। सीधे हमको बताया गया, एक कमिटी बनाई प्रिंसिपल्स की, और मैं अब तो इसी साल से लागू करेंगे CUET। तो ये दूसरा सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ है। तीसरा है ये जो बैच
चार महीने तक तो कोई फर्स्ट ईयर होगा ही नहीं, और जब आएगा तो उसको क्या देखने को मिलेगा? एक टोटली नया कार्यक्रम चार साल का, वो भी बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के, बिना डिस्कशन के लागू किया जा रहा है, और सिर्फ एक सेमेस्टर अप्रूव हुआ है, सिर्फ एक सेमेस्टर का सिलेबस बना है 8 सेमेस्टर की जगह। आप कहते हैं बच्चों से कि आप तय कर लो 1 सेमेस्टर के बेसिस पे कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, ये भी एक भद्दा मजाक है, टोटली अनअकैडमिक। और वो भी जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है उसमें पूरा जो एक सीक्वेंस होता है कि पहले ये पेपर करेंगे फिर वो पेपर करेंगे, तब कि आप समझ बने, आपके फाउंडेशन आपके एक्जोमेटिकली डेवलप होते हैं, वो भी पूरा खिलवाड़ उसके साथ हुआ है, क्योंकि इसके साथ साथ मल्टीपल एंट्री एग्जिट का स्कीम आया है, MEES जिसको कहते हैं। आप 1 साल के बाद छोड़ सकते हैं, 2 साल के बाद छोड़ सकते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दे दिया जाएगा, क्या उसकी मार्केट की वैल्यू होगी? और उसमें 1 साल में कौन निकलेगा? लड़कियां निकल जाएंगी, क्योंकि माँ बाप कहेंगे आपको इतना खर्चा हम नहीं उठा सकते, आपकी शादी करा देंगे, अब एक सर्टिफिकेट तो मिल गया है। अल्पसंख्यक के लोगों के ऊपर दबाव होगा, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन हैं, दलित आदिवासी, उनके ऊपर दबाव होगा। तो ये क्या जो एग्जिट स्कीम बन रही है, ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज एग्जिट स्कीम बन रही है, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूड करने की स्कीम बन रही है। और जो सीक्वेंसिंग ऑफ पेपर्स हैं, अब यह बताया जा रहा है कि नहीं इस पेपर को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दो क्योंकि कुछ लेके जाएंगे, और हम कह रहे हैं कि नहीं इसमें 4 सेमेस्टर की जो पढ़ाई की ज़रूरत है तब इनको ये समझ आएगा, उसकी कोई फिक्र नहीं की गई है, कुछ भी डाल दो फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे किसी को समझ आए ना समझ आए। तो पूरा एकेडमिक वैल्यू उसका ख़त्म किया जा रहा है, टोटल एकेडमिक क्रेडिट पूरी तरह से कम किए जा रहे हैं, वैल्यू एडेड कोर्सेज में ना जाने किस तरह का सो कॉल्ड इंडियन नॉलेज सिस्टम हमारे ऊपर थोपा जाएगा। आपको मालूम है कि पूरी RSS की जो आइडियोलॉजी है वो हमारे बच्चों के ऊपर थोपी जाएगी कि वैल्यू एडेड कोर्सेज के थ्रू। और इसके बाद जो और भी चीज़ें की गई हैं, MPhil को हटा दिया, कहते हैं कि आप 4 साल के बाद डायरेक्ट PhD कर सकते हैं, 4 साल का एकेडमिक कंटेंट आपके 3 साल के एकेडमिक कंटेंट से कहीं कम है, और फिर कहते हैं कि आप MA 1 साल में कर लेंगे, MA का जो कोई भी कंटेंट आपके 4 साल में नहीं डाला गया है। तो ये सब मजाक हो रहा है, कुछ भी कह दो, कहते हैं कि PhD कर लो, डबल डिग्री कर लो, कल को कहेंगे कि स्कूल के बाद आपको हम डिग्री दे देंगे PhD की, ये तो बिल्कुल मजाक हो गया हमारे स्टूडेंट्स के साथ। तो ये क्यों किया जा रहा है? एक तो मुनाफे के लिए कि कुछ लोग मुनाफा कमाएंगे, दूसरा ये है कि आपका कौन पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, उसकी थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए। आपके यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर एक लफ्ज पूरे NEP में नहीं लिखा है, पूरा चैप्टर 14 है उसमें वेलफेयर की बात की है जनरल मोटी मोटी, लेकिन रिजर्वेशन शब्द गायब है। इनका जो कमिटमेंट होना चाहिए हमारी सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल के जो मैंडेट है उसके तरफ इनको बिल्कुल वो नहीं, वो तो हमें पहले से मालूम था, लेकिन इतनी बेशर्मी से ये बात हो रही है कि पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को अबैंडन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि क्या किस तरह का ब्राह्मणिकल जो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं मनुस्मृति पे बेस्ड, उसी की तरफ हमको बढ़ाया जा रहा है, और यूनिवर्सिटीज पहला टारगेट होती हैं क्योंकि डिसेंट यूनिवर्सिटीज में पैदा होता है। ये डिसेंट को खत्म करना चाहते हैं, जिस तरह से इन्होंने देखा कि यूनिवर्सिटीज खड़ी हो गई जब CAA का कानून आप लागू करना चाह रहे थे, तो यूनिवर्सिटीज की थिंकिंग को क्रश करना, वहाँ पे आप किस तरह के स्टूडेंट आ रहे हैं और क्या पढ़ाया जा रहा है उनको, क्या उनको कोई भी आर्टिकुलेशन की ताकत, क्रिटिक करने की ताकत रहेगी कि नहीं रहेगी, ये अब तय हो जाएगा। और टीचर्स को पूरी तरह से इक्वेशन से बाहर करने की कोशिश है, ताकि जो एक हमारा जो डायलॉग होता है कॉन्स्टेंट, एक ह्यूमन एक्टिविटी, एजुकेशन इज ए ह्यूमन एक्टिविटी, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू अ डिजिटल एक्टिविटी, एनीथिंग डिजिटल कैन बी इन एडिशन, ऊपर से आप और सप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक फाउंडेशन ले किया जाता है, जो बेसिक एजुकेशन का कंटेंट होता है, वो एक सोशल वैल्यू उसकी होती है, और उसी चीज को खत्म करने की यहाँ पे कोशिश है। और इसीलिए हमें इस तरह के कैंपेन से और पूरे देश में हमें ये चलाना है, हर नागरिक के पास पहुँचना है और खड़ा करना है बड़ा रेजिस्टेंस इन पॉलिसीज के खिलाफ, ताकि इसको हम रिवर्स करा पाए, रोल बैक करा पाए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, आपके फिर से दोबारा शुक्रिया कि आपने मौका दिया, और हम मिल के साथ लड़ेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे।